अजयगढ़ में एक बार फिर अनादि टीवी की खबर का असर हुआ है, जहां आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में हुई गलती को सुधारते हुए विभाग ने योग्य महिलाओं को नियुक्त किया है। दरअसल अजयगढ़ में कोरोना टीकाकरण को लेकर आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, जिसमें नियम और मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं की गई। आरोप है कि प्रभारी डीसीएम धर्मेंद्र तिवारी ने पैसे लेकर अयोग्य महिला की नियुक्ति कर दी, जिसकी खबर अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए दोबारा योग्य आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की। और आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद जो आपने मेरी आवाज उठाई है। हाँ, मुझे न्याय मिल गया है और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। हाँ, नियुक्ति हो गई है, 7 लोगों की हुई है नियुक्ति हो गई। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनको कुछ कार्रवाई की जाए उनके प्रति। अजयगढ़ में खंड चिकित्साधिकारी कार्यालय के द्वारा यहाँ आशा का जो चिन्हांकन 10 गाँव का किया गया था, उसमें हमने जिनका नहीं हुआ था उन्होंने अपनी शिकायत जिला स्तर पर की थी माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय सीएमएचओ सर को। तो माननीय सीएमओ सर ने जांच गठित कमेटी बनाई थी जिला स्तर पर, सभी आवेदनों की पुनः जाँच की गई है और पुरानी भर्ती को निरस्त करके नई भर्ती है जिला स्तर से उनके आदेश मतलब नियुक्ति हो गई है और उनको आदेश जारी करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया, जिसके लिए आदेश मैंने जारी कर दिया।